welcome here and welcome our YouTube channel Dynamic Motor Schools. Our previous video in this completed chapter number 3. So today I will start lesson number 4. So our lesson title name is On the Move. Standard 2nd subject हमारा है GK और उसमें हम आज हमारा lesson number 4 के move हम start करेंगे On the Move. Move यानी कि मनोरंजन करना. So On the move यानी कि जो रोड है उसके ऊपर जो हलन चलन कर रहे हैं वो सारे ट्रांसपोर्ट के बारे में हमें यहाँ जो लेसन बताया जा रहा है उसमें हमें सीखना है. तो लेट्स स्टार्ट. टेक योर टेक्सटबुक एंड ओपन द पेज नंबर 4. सो फर्स्ट हमें क्या दिया है, तो फर्स्ट हमें इंस्ट्रक्शन जो दी गई है वो है name the means of transport show below. हमें यहाँ पर transport जो है उसकी कुछ picture जो है वो नीचे दी गई है. सो टेक हेल्प फ्रॉम द क्लूज गिवन इन द बॉक्स. हमें हमारी जो क्लू दी गई है उसकी हेल्प से हमें ये जो ट्रांसपोर्ट जो दिए गए हैं जो हलन चलन करने वाले जो व्हीकल्स हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं वो हमें एक्चुअली वो कौन सा व्हीकल्स है वो हमें आइडेंटिफाई करके हमारी ट्रेन जो है वो हमें फिल अप करनी है. सो फर्स्ट हम लोग क्लू जो हमारे लिए वो हम देख लेते हैं. सो क्लूज हमें जो दी गई है उसका सही तरह से प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करेंगे वो हम सबसे पहले देखते हैं. तो हमारी फर्स्ट जो क्लू है वो है कार. क्या है? कार. देन नेक्स्ट है वो है शिप. कौन सी है? शिप. देन उसके बाद है वो है मोटर बाइक. क्या है? मोटर बाइक. उसके बाद की जो हमें क्लू दी गई है वो है मेट्रो रेल. क्या है? मेट्रो रेल. देन उसके बाद है वो है बस. क्या दी गई है? बस. Then उसके बाद जो है वो कौन सी ग्रुप है? सो जो सिक्स नंबर पर हमें क्लू दी गई है वो है ट्रेन. क्या है? ट्रेन. फिर नेक्स्ट जो क्लू दी गई है वो है एम्बुलेंस. कौन सी है? एम्बुलेंस. फिर एक पर हमें जो क्लू दी गई है वो है बोर. कौन सी है? BOAT. बोर. एंड नाइन पर हमें जो दी गई है क्लू वो है हेलीकॉप्टर. कौन सी है? हेलीकॉप्टर. Motorbike. Then next is MOTORIL. क्या है?
हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट जो पिक्चर है उसके नीचे जो ब्रैंड है उसमें हम लिखेंगे शिप। क्या लिखेंगे? शिप। देन नेक्स्ट जो है वो एक्चुअली किसकी पिक्चर है, तो वो तो आप सब ने देखी ही है, क्योंकि ये जो पिक्चर है वो तो हर रोज हमको देखने को लिए मिलती है। तो ये जो पिक्चर है वो है कार की। किसकी है? कार। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? कार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कार लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या आएगा? कार आएगा। कौन सा है? एम्बुलेंस। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा? एम्बुलेंस हम लिखेंगे। सो फिफ्थ वाली जो पिक्चर है यानी कि ए वाली, सो इसके नीचे जो ब्लैंक है उसमें हमें लिखना है एम्बुलेंस। फिर नेक्स्ट वाली जो पिक्चर है वो हम देखते हैं, यानी कि सिक्स नंबर पर हमें कौन सी पिक्चर दी गई। तो सिक्स नंबर पर जो पिक्चर है वो है मेट्रो रेल की। इसकी है मेट्रो रेल की। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? मेट्रो रेल। मेट्रो रेल। फिर उसके बाद हमें सेवंथ वाली जो पिक्चर है वो हमें आइडेंटिफाई करनी है। सो ए वाली जो पिक्चर है वो ट्रेन की। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ट्रेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ट्रेन। सो जो सेवंथ वाली पिक्चर आपको दिखाई देती है उसके नीचे जो ब्लैंक है उसमें आपको क्या लिखना है? टी आर ए आर एन, यानी कि ट्रेन लिखना है। क्या लिखना है? ट्रेन लिखना है। फिर उसके बाद जो है वो है हेलीकॉप्टर की पिक्चर, यानी कि हमें आइडेंटिफाई करके हमारा आंसर हमें लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हेलीकॉप्टर। जो हमारी क्लू जो है उसमें हमें ऑलरेडी दिया ही है, सो वो ढूंढकर हमें यहाँ पर लिखना है हेलीकॉप्टर। क्या लिखना है? हेलीकॉप्टर। एंड लास्ट वाली जो पिक्चर है वो है बोट की। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बी ओ ए टी। क्या लिखेंगे? बी ओ ए टी।
लिखेंगे शिप. सो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? शिप हुआ. सो हमारा राइट आंसर जो फर्स्ट ग्रेड है उसमें हमारा राइट आंसर आएगा शिप. देन नेक्स्ट जो पिक्चर है वो है कार की. सो यहाँ पर हमें जो ब्लैंक दी गई है उसमें हमें क्या लिखना है? सी ए आर, यानी कि कार. सो हमारी सेकंड जो पिक्चर है उसका राइट आंसर हमारा क्या हुआ? सी ए आर, यानी कि वहां पर हमें लिखना है कार. क्या लिखना है? कार. देन उसके बाद जो है यानी कि ए वाली थर्ड वाली पिक्चर. सो ए जो पिक्चर है वो एक्चुअली किसकी है? वो फर्स्ट हमें आइडेंटिफाई करनी है. सो वो जो पिक्चर है वो है मोटर बाइक की. किसकी है? मोटर बाइक की. सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एम ओ टी ओ आर बी आई ए ई. क्या हमें लिखना है? एम ओ टी ओ आर बी आई ए ई, यानी कि यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या आया? मोटर बाइक. क्या आया? मोटर बाइक. देन नेक्स्ट जो पिक्चर है यानी कि ए फोर्थ वाली पिक्चर. सो ए जो पिक्चर है वो एक्चुअली किसकी है? सो वो हमें आइडेंटिफाई करनी है. सो ए पिक्चर तो हम सब जानते हैं क्योंकि इसमें तो हम सब बैठ चुके हैं. हमें कहीं भी जाना होता है तो हम बस थ्रू ही जाते हैं. इसीलिए हम सब लोग बस में तो बैठे ही हैं. इसीलिए ए वाली पिक्चर तो हम सबको पता है कि किसकी है. तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हम क्या लिखेंगे? बी यू एस. क्या लिखेंगे? बी यू एस, यानी कि बस. देन नेक्स्ट जो पिक्चर है यानी कि फिफ्थ वाली पिक्चर. तो ए पिक्चर आप सब लोग आइडेंटिफाई करके अपना आंसर जो है वो फिलअप करना. तो ए जो पिक्चर है वो है एम्बुलेंस की. किसकी है? एम्बुलेंस की. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए एम बी यू एल ए एन सी ई. तो हमारा राइट आंसर हमारा क्या आया? एम्बुलेंस. यदि कोई व्यक्ति बीमार होती है या फिर एक्सीडेंट किसी व्यक्ति का हो जाता है तो हम उसको किसमें बिठा कर ले जाते हैं? हॉस्पिटल. सो वो जो जो पीपल है, जो लोग है जिसको जिसको जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको हम एम्बुलेंस थ्रू हॉस्पिटल पहुंचाते हैं. यानी कि ये जो व्हीकल्स है वो कौन सा है? यानी कि फिफ्थ वाला जो व्हीकल्स है वो है एम्बुलेंस. तो हमें वहां पर क्या लिखना है? ए एम बी यू एल ए एन सी ई, एम्बुलेंस. क्या लिखना है? एम्बुलेंस. देन नेक्स्ट हमारी पिक्चर है सिक्स्थ वाली, यानी कि ए जो पिक्चर है वो किसकी है? सो ए जो पिक्चर है वो है मेट्रो रेल की. किसकी है? मेट्रो रेल की. सो वहां पर हमें क्या लिखना है? एम ई टी आर ओ आर ए आई एल. सो वहां पर हमें लिखना है मेट्रो रेल. क्या लिखना है? मेट्रो रेल. तो हमारी सिक्स वाली जो पिक्चर है उसका राइट आंसर क्या आएगा? मेट्रो रेल. क्या आएगा? मेट्रो रेल. देन नेक्स्ट वाली पिक्चर है सेवंथ वाली. किसकी है? सेवंथ वाली पिक्चर. सो जो सेवंथ वाली पिक्चर है वो एक्चुअली किसकी है? सो सेवंथ वाली जो पिक्चर है वो है ट्रेन की. किसकी है? ट्रेन की. सो वहां पर हमें क्या लिखना है? टी आर ए आई एन. क्या लिखना है? टी आर ए आई एन, ट्रेन लिखना है. क्या लिखना है? ट्रेन. सो हमारे सेवन वाली जो ब्लैंक है उसका राइट आंसर क्या हुआ? ट्रेन हुआ. क्या हुआ? ट्रेन. फिर नेक्स्ट है एट वाली पिक्चर, यानी कि ए वाली. सो ए वाली पिक्चर है वो एक्चुअली किसकी है? सो ए जो पिक्चर है वो तो हेलीकॉप्टर की है. किसकी है? हेलीकॉप्टर की. सो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? ए ई एल आई सी ओ पी टी ई आर. सो वहां जो